मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। हाउसफुल 4 में अक्षय के बॉर्ड लुक से पहले इन सितारों के लुक्स भी रहे चर्चाओं में। कुलभूषण खरबंदा ने शान मूवी में नेगेटिव रोल प्ले किया था। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा के होने के बावजूद भी अपने बार्ड लुक की वजह से एक्टर सभी पर भारी पड़ा था। उनका लुक खूब पॉपुलर हुआ था। मनोज वाजपेयी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, इस फिल्म में एक्टर बार्ड लुक में नजर आए थे। बॉलीवुड के विलन संजय दत्त ने अग्निपथ में नेगेटिव रोल प्ले किया था। इस फिल्म में वो ऋतिक रोशन पर भी भारी पड़े थे। बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह बार्ड लुक में नजर आए थे। उनके लुक को काफी पसंद भी किया गया था। हैदर फिल्म में शाहिद कपूर की एक्टिंग लाजवाब थी। फिल्म में उन्होंने बार्ड लुक लिया था। परेश रावल ने इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक किरदार प्ले किए हैं। वो टेबल नंबर 21 फिल्म में बार्ड और बेहद स्टाइलिश लुक में नजर आए थे। उनका लुक काफी चर्चा में रहा था। देवानंद की फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर चली थी गोलियां। देवानंद एक अभिनेता थे, निर्देशक थे, निर्माता थे, कहानी गढ़ते थे, संगीत की समझ रखते थे और शायद सबसे खास बात ये थी कि अपने समय से आगे सोचने की क्षमता उनके अंदर थी। लेकिन उन्होंने वो दौर भी देखा जब गर्दन झुकाने का वो गजब अंदाज, काली पैंट शर्ट का उनका लिबास लड़कियों को बेहोश करता था। कहा जाता है उन्हें देखकर उन दिनों सफेद शर्ट पर काला कोट पहनने का स्टाइल बहुत ट्रेंड हुआ था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सार्वजनिक जगहों पर काला कोट पहनने पर ही बैन लगा दिया गया था। कितनी ही लड़कियों ने उनके लिए अपनी जान गंवा दी। कहा जाता है कि देव साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया, क्योंकि काले रंग के कोट में वो इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था कि कहीं लड़कियां उन्हें देखकर छत से कूद ना जाएं। सिनेमा के सुपरस्टार की इतनी फैन फॉलोइंग थी कि थिएटर फुल हो जाते थे। लोग धूप में घंटों खड़े होकर टिकट लेते थे। देव साहब की फिल्म जॉनी मेरा नाम जब रिलीज हुई तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए भीड़ लग गई। बताते हैं कि उस वक्त जमशेदपुर के एक सिनेमा घर के बाहर फिल्म के टिकट के लिए गोलियां चल गई थी, जिसमें दो छात्रों की मौत तक हो गई। इस घटना के बाद एक सप्ताह के लिए नटराज टॉकीज बंद कर दिया गया। इस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी थे देवानंद। फिल्मों में ये कलाकार निभा चुके हैं ट्रांसजेंडर का रोल। आशुतोष राणा ने फिल्म संघर्ष में ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था लज्जा शंकर पांडे, जो कि बच्चों को अगवा करके मार देता था। फिल्म में उनका कैरेक्टर काफी खौफनाक था। सदाशिव अमरापुरकर का महारानी का कैरेक्टर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस कैरेक्टर के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड मिले थे। संजय दत्त और पूजा भट्ट की फिल्म सड़क में उन्होंने ये रोल निभाया था। कंगना रनौत और पारस अरोड़ा की फिल्म रज्जू में महेश मांजरेकर ने अपने ट्रांसजेंडर के रोल से सभी का दिल जीता था। इस फिल्म में उन्होंने बेगम का किरदार निभाया था, जो कोठा चलाती थी। इस कैरेक्टर के लिए उन्हें काफी सराहा गया था। मल्टी टैलेंटेड एक्टर परेश रावल ने 1997 में आई फिल्म तमन्ना में ट्रांसजेंडर का रोल अदा किया था। इस मूवी में पूजा भट्ट, शरद कपूर और मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में थे। दीपिका कटरीना से कम नहीं है इन पंजाबी एक्ट्रेसेस का ग्लैमर। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की भी कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। नीरू बाजवा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। नीरू बाजवा ने कई हिट पंजाबी फिल्मों में काम किया है। वो कई हिंदी टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। नीरू बाजवा इंस्टाग्राम पर भी खूब पॉपुलर हैं। इंस्टाग्राम पर नीरू के 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सोनम बाजवा की पंजाबी फिल्म शड़ा हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म में उनके साथ दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा थे। फिल्म में सोनम की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया। सोनम एक्टिंग के साथ अपने लुक के कारण भी सुर्खियों में रहते हैं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज गायकों के साथ हिमांशी खुराना कई बार काम कर चुकी हैं। चाहे एमी विर्क हो या हार्डी संधु हो, हिमांशी को पहचान साल 2012 में रिलीज हुए हिट गाने सोच से पहचान मिली थी। इस गाने का हिंदी सीक्वल अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट में भी है। हिंदी सीरियल और पंजाबी फिल्मों में सरगुन मेहता ने कई मुश्किल किरदारों को बहुत आसानी से निभाया है। पंजाबी फिल्म किस्मत में सरगुन मेहता के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। कलर्स टीवी का फुलवा उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ था। सोशल मीडिया पर भी सरगुन अपने लुक को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। सारा गुरपाल ने 2012 में मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था। इसके बाद अगस्त 2014 में सिमरनजीत सिंह के गाने से स्क्रीन पर डेब्यू किया था। 2016 में सारा गुरपाल ने गाना अत लगदी गाया था। गाने को खूब पसंद किया गया था।
शहनाज कौर गिल अभी बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई हैं। बिग बॉस में शहनाज की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया। शहनाज खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ मानती हैं। कायनात अरोड़ा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ग्रैंड मस्ती से किया था। कायनात अरोड़ा ने 2015 में पंजाबी फिल्म फरार में काम किया था। इसके बाद कायनात अरोड़ा कई हिट पंजाबी फिल्मों में नजर आई थी। सुरवीन चावला आज बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है, लेकिन सुरवीन चावला ने अपने करियर के शुरुआत में कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। साल 2011 में सुरवीन ने फिल्म धरती में काम किया था। सुरवीन ने हाल ही में प्रेगनेंसी के दौरान सैक्रेड गेम्स की शूटिंग की थी। एक जैसी कहानी को लेकर भिड़ गए थे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। फिल्म उजरा चमन के निर्देशक अभिषेक पाठक जहां अपनी फिल्म को एक कन्नड़ फिल्म का आधिकारिक हिंदी रीमेक बता रहे हैं, वहीं फिल्म बाला के हीरो आयुष्मान खुराना इस विवाद से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसा ही विवाद बरसों पहले अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फिल्मों को लेकर भी हो चुका है। आसपास ही रिलीज होने के मामले इससे पहले भी हिंदी सिनेमा में हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म इनकलाब और राजेश खन्ना की फिल्म आज का MLA राम अवतार की कहानी भी करीब करीब एक जैसी थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आगे पीछे रिलीज हुई। यही नहीं, अमिताभ बच्चन की दो फिल्मों तूफान और जादूगर की कथानक एक जैसे रहे और अमिताभ बच्चन ने दोनों फिल्मों के निर्देशकों यानी मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा से इसका जिक्र तक रिलीज से पहले नहीं किया। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और इसी के बाद अमिताभ के इन दोनों निर्देशकों से रिश्ते भी बिगड़ गए। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।